हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय अनदर वीडियो और आज का ये वीडियो होने वाला स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे बिगिनर्स हैं जो सिंगिंग को अपनी हॉबी बनाना चाहते हैं और हॉबी को प्रोफेशन बनते हुए भी देर नहीं लगती है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कि फेसबुक लाइव कैसे करें या मे जी टेन एक्स यू के थ्रू तो उस पर कुछ लोगों ने मैंने उसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिए थे उन्होंने कमेंट्स भी किए कि कई के कॉल भी आए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी जो सेटिंग है मैं कैसे जो इसकी यामा एम जी टेन एक्स की सेटिंग मैंने कैसे कर रखी है इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर दूं तो आज जैसे कि टाइम मिला मेरे को क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉँ और सिंगिंग मेरा शौक है हॉबी है और मतलब मैं इसके लिए पूरा अपना जो भी मेरा टाइम होता है खाली मैं उसको टाइम को मैं यहाँ पर पूरा देता हूँ सिंगिंग के लिए तो दोस्तों फिर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यामा एम जी पे जो भी फेसबुक या इंस्टा या यूट्यूब पे जो लाइव परफॉर्मेंस देते हैं उसके लिए सेटिंग क्या होती है इसमें इसके फंक्शंस क्या क्या हैं जो मैं जितना समझ पाया हूं इसको यूज किया है काफी सारा ढूंढा मैंने काफी सारा मैंने भी आप जैसे जो नए लोग जो ढूंढ रहे हैं सर्च कर रहे हैं वीडियोज देख रहे हैं मैंने भी काफी सारा सर्च किया और उसके बाद जो आज मैं जिस नतीजे में पहुंचाऊं या जो आज मेरा डिसीजन है इसके बारे में इसका रिव्यू समझ लीजिए या मैम जी टेन का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए मेरा एक ख़ुद का फेसबुक पेज है उसको भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ तो दोस्तों ये है मेरा यामा एम जी टेन एक्स यू मिक्सर और मैं अब बताने वाला हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ और क्या मेरी सेटिंग है तो वो जो सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दूं मैं पहले इसके बारे में मिक्सर के बारे में देखिए ये टेन चैनल मिक्सर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन चैनल्स इसके बाद में ये मोनीटर के आउटपुट हैं जो यहाँ से देखेंगे तो मोनीटर के आउटपुट हैं ये और ये आपका स्टीरियो आउट है तो जो स्टीरियो अभी यहाँ पे जो मैं जो अपन जो आउटपुट लेंगे जो लाइव उसके लिए लाइव like परफॉर्मेंस के लिए जो फेसबुक या इंस्टा यूट्यूब पे तो वो स्टीरियो आउट यहाँ से लेता हूँ मैं ये इसका हेडफोन का जो जैक है हेडफोन वाला वो ये है बाकी ये इफ़ेक्ट के लिए जो इसको नोब को आप चेंज करके इस पर इसके जो इफेक्ट हैं मेरे को इसके वन और टू इफेक्ट हैं वो भी वो काफ़ी अच्छे लगते हैं उन्हीं को मैं यूज करता हूँ इसके बाद में ये इसके जो आ, आपका हेडफोन वाला जो आउटपुट है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ये मास्टर वॉल्यूम हो गई ये इफ़ेक्ट के जो कंट्रोल करने के लिए इफेक्ट यहाँ से जो आपका ये स्विच है इसको आप ऑन करोगे तो आपके इफेक्ट्स ऑन हो जाएंगे जो आपकी वॉइस में इफ़ेक्ट देने के लिए और यहाँ से उनको कंट्रोल कर सकते हैं मैंने इसको मतलब लगभग जो यहाँ पे मैक्सिमम उस पर कर रखा है और ये भी इसके नीचे जो इफेक्ट के लिए है इसके पैरामीटर्स हैं ये उसके मिनिमम और मैक्सिमम तक करके कर, तो मैंने इसको सेंटर से थोड़ा सा आगे कर रखा है इसके बाद में मैं सबसे पहले मैं अपना माइक लगाता हूँ तो माइक मेरा ये ये माइक मैंने इस मैं मेरे फर्स्ट चैनल में लगाता हूँ इसके लिए मैंने देखो मेरी गेन की सेटिंग कहाँ कर रखी है मेरा ये कंप्रेसर है और मेरे इफेक्ट है देखिए इफेक्ट आपकी अलग अलग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग या जो आपकी वॉइस क्वालिटी है उसके के हिसाब से आप चेंज उसको एडजस्ट कर सकते हैं सबकी अपनी अपनी वो है और ये तो आपका सेंटर में होगा ही लेफ्ट राइट के बजाय सेंटर में होगा ये पेन जिससे कि आप आपके लेफ्ट और राइट स्पीकर्स को कंट्रोल करते हैं ये आपका लेवल है तो ये लेवल मैंने देखिए मैक्सिमम को थोड़ा सा इसको मैक्सिमम पे कर दीजिए इसको इसका क्या होता है कि बेसिकली आपका जो लाइव कभी परफॉर्मेंस करें तो आप जो भी बोलें यहाँ पे ये जो माइनस टेन डी जो है यानी कि वो इसकी दो स्ट्रेंथ इस है ये ज़्यादा इससे ऊपर ना जाए क्योंकि उससे ऊपर जाएगी तो फिर ये वॉइस इसकी जो आपकी फटने भी लग सकती है थोड़ी हार्मिंग हो सकती है अभी जैसे कि मैं मेरा माइक लेता हूँ मैं बोलता हूँ हेलो हेलो तो ये लगभग माइनस टेन तक इसका जा रहा है इफेक्ट तो ये अच्छा एक वो है इसके बाद में मैंने मेरा माइक लगा दिया सेटिंग्स मैंने जो कर रखी है वो मैंने दिखा दी आपको ट्रैक अगर आपको इंस्ट्रूमेंट है आपका तो आप इंस्ट्रूमेंट के लिए आप अपनी वो लगा सकते हैं लाइन या माइक दोनों के लिए यूज में आ सकती हैं मैं मेरा जो दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं मेरे जो आ, ट्रैक देने के लिए आप केबल यूज़ करें मैं आर सी ए केबल यूज़ कर लेता हूँ आप चाहें तो यू के थ्रू भी जा सकते हैं लेकिन जिनके पास में नहीं है तो आप आर केबल यूज़ करें मैं फ़ाइव नंबर और सिक्स नंबर ये जो चैनल है इसमें रेड वाला जो हिस्सा है ये मेरे इसमें रेड में दे रहा हूँ केबल पे बना हुआ है और वाइट वाला वाइट में इसकी सेटिंग्स क्या है इसकी सेटिंग्स के लिए ये मैंने सेंटर में कर रखा है ये दोनों सेंटर में है नोब ये इफेक्ट मैंने इसमें बंद कर रखा है ये तो सेंटर में होना ही है और ये जो है इसकी वॉल्यूम वो आप आपको जैसा लेकिन इतना है कि आपकी जो वॉल्यूम है जो ट्रैक की वॉल्यूम है वो आपकी जो वोकल से थोड़ा सा कम होनी चाहिए जिससे कि थोड़ा सा उसमें क्लियरटी भी आती है और लोगों को सुनने में अच्छा लगता है तो दोस्तों ये मेरा माइक हो गया ये मेरा यहाँ से मैंने ट्रैक दे रहा हूँ अब लेना है मुझे आउटपुट मेरा यानी कि अब जिससे आप रिकॉर्ड करोगे उसमें आपका इफेक्ट जाना चाहिए तो मैं यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि मैं आयरिक यूज़ करता हूँ उसके लिए सेपरेट अगर होगा तो मैं बताऊँगा जो तो यहाँ से मैं इसको अपना स्टीरियो आउट में ये जैक ये दो जैक और यहाँ से आयरिक के थ्रू मैं मेरा आउटपुट देता हूँ अपनी वॉइस सुनने के लिए आपको हेडफोन चाहिए तो हेडफोन यहाँ पे हेडफोन का जैक है मैंने अपना हेडफोन लगा दिया तो ये इस तरह से आपका सेटअप जो एक सिंगिंग जो आप ट्रैक पर कह हो कि ट्रैक पे सिंगिंग करते हैं उसके लिए इतना सेटअप चाहिए और बस इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं आप चाहते हैं इतना और अगर इससे आगे आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे से कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं तो दोस्तों मेरी जो याम जी टेन एक्स यू मिक्सर की सेटिंग है वो मैंने आपको दिखा दी है उसके बारे में जो छोटा एक ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको उसकी जानकारी दे दी है अगर आपको अच्छी लगे तो आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं और आप ये जो सेटिंग है ये तो आप जैसे जैसे आप रूटीन में इस चीज़ों को यूज करेंगे वो ज़्यादा बेहतर से इनको समझ पाएंगे तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए धन्यवाद